बच्चों चैप्टर टू पढ़ रहे थे है? में हमने जाना था बच्चों एक डॉग का जब जन्म हुआ तो उसको ऐसे लगा कि मुझे अपने लिए क्या ढूंढ लेना चाहिए मुझे अपने लिए मास्टर ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि वो क्या था बच्चों वो जो खाने के लिए जब वो दर, -दर भटकता था चारों तरफ वो घुमा करता था तो इस बात से वो बीमार पड़ गया था ठीक है और वो बहुत ज्यादा

द डॉग डिसाइडेड टू टेक ये बात उसने जब देखी डॉग ने कि जो बियर है ठीक है जो भालू है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था किससे वो सबसे ज्यादा ताकतवर था वो तो उसने ये निश्चय कर लिया था बच्चों कि अब वो किसको छोड़ देगा वो अब किसको सर्विस देगा ठीक है अब वो किसको अपना मालिक बना लेगा अब वो मालिक बनाना चाहता था किसको वो अब अपना मालिक बनाना चाहता था बियर को ठीक है एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आज द बियर टू बी हिज मास्टर उसने किसका साथ छोड़ दिया उसने वुल्फ का साथ छोड़ दिया ठीक है और बियर से पूछा क्या पूछा कि आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे क्या जैसा कि उसने वुल्फ से पूछा था ठीक है कि मैं आपको अपना मालिक बनाना चाहता हूँ ठीक है तो यही बात उसने किससे पूछे बियर से पूछी द अग्रीड बियर क्या हो गया सहमत हो गया इस बात से. ढूंढेंगे ढूंढते हैं हार्ड ऑफ काउस ठीक है गायों का एक झुंड आई काउ एंड कैन बूथ ईट कि मैं क्या करूंगा एक काउ को मार दूंगा ठीक है और फिर हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं खाना खा सकते हैं आगे चलते हैं देखिए बच्चों बियर okay. ओके आगे चलते हैं दे वॉक ऑन एंड सून सो ए हर्ड ऑफ काउ वो आगे चले ठीक है और उन्होंने क्या देखा उन्होंने गायों का झुंड देखा बट जस्ट एज दे वो अबाउट टू कम अप टू इट दे वो स्टॉप्ड बाई अ टेरेबल नॉइज जैसे ही बच्चों वो दोनों वहाँ पर पहुँचने वाले थे उन्होंने क्या सुनी उन्होंने एक टेरेबल आवाज़ सुनी ठीक है एक भयानक आवाज़ सुनी उन्होंने ठीक है शोर सुना फिर लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन अब जो गायें थी बच्चों वो क्या कर रही थी वो इधर उधर रंभा रही थी यानी जो जोर जोर से रंभा रही थी और जो पैनिक यानी डर के मारे वो चारों तरफ चारों दिशाओं में क्या कर रही थी इधर उधर घबराहट से वो दौड़ रही थी कौन गायें बच्चों ठीक है देखिए क्या देखा उन्होंने जब वो वहां पर पहुंचने वाले थे तो उन्होंने देखा एक जो गाय थी वो क्या कर रही थी पैनिक घबराहट में डर से वो इधर उधर सारी दिशाओं में क्या कर रही थी दौड़ रही थी ठीक है डर के मारे द बियर लुक आउट फ्रॉम बिहाइंड ट्री अब बियर ने देखा बच्चों ठीक है बियर ने कहाँ से देखा वो पेड़ के पीछे छुप गया और उसने वहाँ से देखा एंड देन ही टू रेन हैज इटली डीपो इन टू द फॉरेस्ट अब बच्चों जब उसने जैसे ही देखा उसने क्या देखा तो वो क्या करता है बहुत तेजी से किधर भाग जाता है फॉरेस्ट में नहीं जंगल में वो दौड़ गया ठीक है नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर सैड ही टू द डॉग ठीक है अब वो क्या कहता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ इट इज़ अ लाइन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार की यह लाइन है कौन है लाइन यानी शेर है वो क्या करता है इस जंगल के जितने भी पार्ट हैं उन ठीक है इन हिस्सों में क्या करता है वो शासन करता है रूल करता है द लाइन हु इज सी अब डॉग क्या कहता है कि लाइन शेर कौन यह है कौन है डोंट यू नो क्या तुम नहीं जानते ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ अब वो क्या कहता है कि इस पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली बीस सबसे शक्तिशाली जानवर कौन है सबसे शक्तिशाली है लायन किसने बताया बियर ने बताया बच्चों देखिए ये कहाँ से देख रहा है जैसा कि हम स्टोरी में पढ़ रहे हैं बच्चों ये देख रहा है ट्री के पीछे छुपकर ठीक है ये चलते हैं वेल देन आई शैल से गुड बाय टू यू तो फिर कहता है ठीक है मुझे अब आपको भी अलविदा कह देना चाहिए यानी अब मैं आपको अलविदा कहूँगा बियर आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज स्ट्रोंगर दैन एनी वन ऑन ए यानी मैं तो एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस पृथ्वी पर क्या हो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सबसे ज़्यादा क्या हो ताकतवर हो मजबूत हो ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है मैकनाउंस फ्रॉम द वर्स गिवन बलो बाई एडिंग ने और आई टी वाई फोर सम वर्ड्स वी नीड टू एड जस्ट टी वाई और वाई क्लेयर तो हमें क्या करना है बच्चों इनमें ने सौर आई टी वाई एड करके नए वर्ड्स बनाना है ठीक है जैसे हम पढ़ते हैं जैसे ऑनेस्टी ठीक है तो कुछ वर्ड्स जैसे ऑनेस्टी बनाएंगे तो आपको वाई ऐड करना होगा काइंड में आप नैस ऐड करेंगे क्वेश्चन आपके ये हो गए ठीक है उसके बाद में ये क्रिएटिव सेंसियर चेयर इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेना है ओके मैम मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए थैंक यू